नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइव। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइव पर आज की खास खबर। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के दरोगा हाता गांव में दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। मारपीट में लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर पहले नोकझोंक हुई, फिर मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। वही मामले को पुलिस पूरी तरह से जांच करने में जुटी हुई है। सिवान के समाज सेवी श्रीनिवास यादव ने प्रत्येक दिन के भांति आज भी सिवान नगर क्षेत्र के चौक चौराहे समेत हुसैनगंज के टेरी घाट, हबीब नगर, हथौड़ा, महापुर, दाहबाड़ी, आंदर में डोर टू डोर लोगों के बीच जाकर फ्रूटी जूस का वितरण किए। सिवान में रमजान पर्व को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें SDPO, SDO एवं BDO, CO, थाना अध्यक्ष एवं शांति समिति के सभी सदस्य गण बैठक में मौजूद रहे। वहीं कई दिशा निर्देश भी दिया गया और कहा गया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए इस पर्व को शांति तरीके से मनाना है। वहीं समाज सेवी श्रीनिवास यादव ने मौके पर मौजूद शांति समिति के सभी सदस्यों एवं अन्य सदस्य गणों के बीच फ्रूटी जूस का वितरण किया।